और इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा से रायपुर तक हलचल मची हुई है। आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान सिंह राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज भी देर रात राजधानी रायपुर पहुंचे। एक और कांग्रेसी महिला विधायक रेणु सिंह रायपुर पहुंची हैं। तो इसी के साथ रायपुर में हरियाणा के 28 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने डेरा डाला हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है और इसीलिए यहां पर विधायकों को रायपुर लाया गया है। आपको बता दें, दो दिन पहले ही ये तमाम विधायक रायपुर आए थे। कांग्रेस ने राजधानी रायपुर के एक रिसोर्ट में इन्हें ठहराया गया है, जहां क्रॉस वोटिंग के डर से दल ये फैसला कांग्रेस की ओर से लिया गया है। और राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा से रायपुर तक हलचलें तेज हो गई है। तो तमाम विधायक मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष भी पहुंच गए हैं। और इसके अलावा एक और कांग्रेसी महिला विधायक रेणु सिंह राजधानी रायपुर पहुंची है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं राजधानी रायपुर। चलिए अपडेट लेंगे, सीधे रुक करते हैं संवाददाता कुलेश्वर पांडे का, रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कुलेश्वर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? दो दिन पहले ही हरियाणा के 28 कांग्रेस विधायक रायपुर में पहुंचे और आज अध्यक्ष भी पहुंचे हैं, क्या अपडेट आपके पास इससे जुड़ा हुआ? देखिए, बिल्कुल, हरियाणा का डर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सता रहा है कि वहां पे क्रॉस वोटिंग ना हो जाए और एक सीट जो राज्यसभा का हरियाणा का कांग्रेस के खाते में आने वाले वो उनके हाथ से ना निकल जाए। इस कारण से दो दिन पहले 27 विधायक यहाँ पे पहुंचे हुए थे। कल देर शाम जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वहाँ के और एक महिला विधायक की पहुँचने की सूचना है। लेकिन रिसोर्ट के अंदर जिस तरह से पुलिस की घेराबंदी की गई है, परिंदा को भी आने अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के भी चुनिंदा तीन नेताओं को ही जिम्मेदारी दी गई है उनके आवभगत के लिए। बीते तीन दिनों से जो है तमाम विधायक जो है मेफेयर रिसोर्ट के अंदर है, ना कोई बाहर जा सक रहे, ना कोई अंदर आ जा रहा है। और सूचना यह भी है कि उनके मोबाइल भी अब लिया जा चुका है। खुद अजय माखन है जो प्रत्याशी हैं, वो भी उनके साथ है। कहीं ना कहीं एक सीट का ही वहाँ पे गड़बड़ है। अगर एक सीट इधर से उधर जाता है तो निश्चित तौर पे वो सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगी। कहीं ना कहीं डर जो है कांग्रेस पार्टी को सता रहा है और इस कारण से धीरे धीरे विधायक यहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि 27 विधायक आए थे, कुल 31 विधायक एक सीट के लिए चाहिए था राज्यसभा के लिए। और कल देर शाम जो एक विधायक की पहुँचने की सूचना है, और भी जो अन्य विधायक है वो भी जो है आज देर शाम तक रायपुर पहुँच सकते हैं, क्योंकि 10 जून को मतदान होना है राज्यसभा के लिए। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी कि एक भी जो विधायक इधर से उधर छिटके। अच्छा कुलेश्वर, ये जानकारी आपसे चाहेंगे, क्योंकि हरियाणा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के 40 और कांग्रेस के 31 विधायक हैं। ऐसे में 28 विधायक पहुंचे, एक विधायक आज पहुंचेंगे, तो बाकी के एक से दो जो विधायक हैं ये अलग अलग विधायक क्यों पहुंच रहे हैं? इनमें भी किसी तरह की नाराजगी की खबर मिल रही है क्या? देखिए बिल्कुल, जब हम दो दिन पहले जब विधायक पहुंचे थे तो बात यही सामने आई थी कि जो अन्य विधायक नहीं पहुंचे हैं उनके स्वास्थ्यगत कारण से नहीं पहुंचे हैं, कोई बाहर इसलिए नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद नाराजगी जो है वो निश्चित तौर पे देखी जा रही, इस कारण से एक एक विधायक पहुँच रहे हैं। हमने देखा कि 27 विधायक जब एक साथ रायपुर पहुँचे, उसके एक घंटा बाद तुरंत अजय माखन जो वहाँ के प्रत्याशी हैं वो पहुँच गए। उसके बाद कल जो है देर शाम फिर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और एक विधायक और पहुंची। तो धीरे धीरे विधायकों को मनाया जा रहा है और मना के रायपुर लाया जा रहा है, ताकि सभी एक साथ वहां पे रह सके और जिस दिन मतदान हो तो सभी को एक साथ रायपुर से रवाना किया जाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस को चिंता है कि वो सीट ना निकले, इस कारण से तमाम जो आने जाने का सिलसिला है वो किया जारी है। बिल्कुल, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका कुलेश्वर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, हरियाणा से लेकर रायपुर तक राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं, क्योंकि हरियाणा से राज्यसभा के दो सीटों पर चुनाव होने हैं और ऐसे में तीन उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी से कृष्णलाल पवार, कांग्रेस से अजय माकन के अलावा पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने यहाँ निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है, जिसे समर्थन मिल रहा है दूसरी पार्टियों का भी। अब ऐसे में कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है, क्रॉस वोटिंग का डर कांग्रेस को सता रहा है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को सेफ मानते हुए रायपुर तक कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर आ पहुंची है।